प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के बाइबल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। हम इस ग्रंथ के रोमियो नामक पुस्तक के पहले अध्याय से अध्ययन कर रहे थे और पिछले हफ्ते पहले अध्याय से मैंने आपको ये बातें याद दिलाई थी कि कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी मंद बुद्धि क्यों ना हो, यदि वो अपने चारों तरफ मुड़कर देखे तो वो इस बात को समझ जाएगा कि ये विश्व बाप रे कितना बड़ा और कितना महान विश्व है। और यदि इतना महान विश्व है तो इसकी रचना जिसने की होगी वो कितना महान होगा। आप लोग कभी प्रदर्शनी वगैरह में गए हैं क्या? खासकर चित्रकला, मूर्तिकारी और साइंस और टेक्नोलॉजी की यदि प्रदर्शनी कहीं लगती है तो हर व्यक्ति को जाना चाहिए। कारण क्या है? मनुष्य के द्वारा नई चीज़ों की खोज और नई चीज़ों की सृष्टि का सबसे बड़ा उदाहरण हमको मिलता है चित्रकारी में, मूर्तिकला में और साइंस और टेक्नोलॉजी में। आज से कुछ साल पहले एक बहुत ही प्रसिद्ध एग्जीबिशन हुआ था जहां पर सैकड़ों कलाकारों ने एक से एक उत्तम चित्र बनाए। उन सैकड़ों चित्रों में से सबसे पहले कुछ जज आए और उन सैकड़ों में से उन लोगों ने लगभग 20 अच्छे चित्र सेलेक्ट किए। अब सवाल था कि इन 20 में से सबसे अच्छा कौन सा है, तो उनसे भी ज़्यादा अच्छे जज लाए गए। उन्होंने उन 20 चित्रों में से 5 सेलेक्ट किए। उसके बाद उनसे भी बड़े कलाकार लाए गए, उन्होंने उन 5 में से 2 चित्र सेलेक्ट किए। वो 2 चित्र ऐसे थे कि लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इसमें से किसको फर्स्ट प्राइज दिया जाए, किसको सेकंड प्राइज दिया जाए। तब दुनिया के सबसे उन्नत 3 जजों को लाया गया कि उन बताए, वो तय करें कि इन दोनों में से सर्वोत्तम चित्र कौन सा है। और जैसे ही उन्होंने उस कमरे में प्रवेश किया तो एक मच्छरदानी के अंदर से एक स्त्री का हाथ बाहर लटका हुआ दिखाई दिया और जज एकदम से आगे को बढ़ा वो हाथ उठाकर मच्छरदानी के अंदर बिस्तर पर रखने के लिए। जब आगे बढ़ा तब पता चला कि वो एक स्त्री नहीं थी और स्त्री का हाथ इस तरह से बाहर गिरा हुआ नहीं था, वो महज एक चित्र था। स्वाभाविक है कि उसको फर्स्ट प्राइज दिया गया। वो इतना स्वाभाविक था कि चित्रकारों के चित्रकार को भी गलतफहमी हो गई कि वो एक वास्तविक व्यक्ति है। एक बात जरा बताइए, जब इस तरह की अनोखी कलाकृति को हम देखते हैं तब ये कोई ऐसा सोचता है क्या कि ये तो रंग आपस में मिल गए होंगे और चित्र आपस में बन गया होगा, ये चित्र अपने आप बन गया होगा? नहीं, जैसे जैसे हम एक से एक बढ़िया चित्र देखते हैं, मूर्तिकारी देखते हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट देखते हैं,
तब हमको मालूम है कि इसके पीछे एक या एक से अधिक व्यक्तियों का हाथ है। इसी तरह से जब हम इस विश्व को देखते हैं तो पता चल जाता है कि इस विश्व के पीछे एक सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान प्रभु का हाथ है। पिछले हफ्ते हमने ये देखा कि प्रभु के बारे में ये सब जानने के बाद भी लोग अपने बुद्धि की व्यर्थ बातों में चले गए, इस कारण प्रभु ने उनको उनकी व्यर्थ बुद्धि पर छोड़ दिया। प्रभु का वचन ये भी याद दिलाता है कि आज संसार में जो पाप, जो अधर्म और जो कुकर्म, जो बुरे कर्म हैं, वो इसलिए है कि हम प्रभु को जानने के बावजूद प्रभु से दूर जा रहे हैं। और प्रभु के वचन में ये लिखा हुआ है कि प्रभु ने भी मनुष्यों को छोड़ दिया जिससे कि वे अपने कुकर्मों में जीवन बिताकर जब अपने जीवन बर्बाद कर लें तो कम से कम तब पहचान लें कि मुझे सर्वे सर्वा प्रभु के पास जाना है। पिछले हफ्ते मैंने छोटे पुत्र की कहानी सुनाई थी जिसने अपने जीवन को पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया था। उसके बाद उसको ये बात समझ में आई कि मैं अपनी बुद्धि से कुछ नहीं कर सकता, अपनी अकलमंदी से कुछ नहीं कर सकता, मुझे पिता के पास जाना है। आज जितने भाई और बहन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, मैं उन सबको याद दिलाना चाहता हूँ, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, मनुष्य यदि अपनी बुद्धि से, अपने स्वयं की बुद्धि से अपने जीवन का संचालन करे तो वो बहुत जल्दी उस जीवन को बर्बाद कर देगा। मनुष्य के लिए जरूरी है कि वो प्रभु के वचन को पढ़े, उसको समझे, प्रभु के संदेश को समझे और ये जाने कि प्रभु का रास्ता क्या है, कौन सा है, और उसके बाद उस रास्ते पर चले। इसलिए हम बार बार आपसे अनुरोध करते हैं कि जिंदगी में समय, बाकी कामों के लिए बहुत समय है, संडे इवनिंग को सत्संग के लिए नियमित रूप से थोड़ा समय निकाल लें, प्रभु के वचन से जो भी प्रभु संदेश देते हैं उसको सुने, उस पर मनन करें और अपने जीवन को प्रभु की इच्छा के अनुसार बिताएं। और इस कार्य में मदद के लिए प्रभु के वचन की कॉपी अपने लिए यहां से ले जाएं जिसको नियमित रूप से पढ़ें। जब किसी व्यक्ति को बताया जाता है कि भैया तुम्हारे जीवन में पाप है, तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो, तो एकदम से कई लोगों का रिस्पॉन्स, कई लोगों का जवाब यह होता है, उसको भी तो देखिए, वो भी तो गलत कर रहा है, वो भी तो गलत कर रहा है, वो भी तो गलत कर रहा है। ऐसा अनुभव आपको कभी हुआ है क्या? मुझे तो इस तरह के अवसर होते ही रहते हैं, क्योंकि मैं पेशे से अध्यापक हूँ और अध्यापक विशेषकर स्कूल लेवल पर जब वो पढ़ाता है, एक बच्चे को यदि आप एक गलती में पकड़ें तो अपनी गलती मानने के बदले एकदम से बच्चों में से कई है वो कहते, सर वो भी तो कर रहा था, सर ये भी तो कर रहा था, सर उधर देखिए वो भी तो कर रहा है। ऐसे में अध्यापक का क्या जवाब होता है? मेरा, अलग अलग अध्यापकों का अलग अलग जवाब होता है। मैं जनरली ऐसा एक प्रश्न उनसे पूछता हूं जिससे वो बिल्कुल निरुत्तर, उनकी बोली बंद हो जाती है। मैं उनसे पूछता हूं कि भैया अध्यापक तुम हो या मैं? सर आप हैं। तो ऐसा है, बाकी लोगों को भी मैंने देख लिया है और उनका इंतजाम मेरे हाथ में है, उनकी दवा मेरे हाथ में है, तुम काहे को फिक्र करते हो? उसके बाद मैं उससे पूछता हूं, मुझे तो तुमसे सिर्फ एक बात जाननी है और वो यह है कि जिस गलती में मैंने तुमको पकड़ा था वो गलती तुम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? अब वो क्या करेगा जब इस तरह से आप डायरेक्टली उससे पूछेंगे कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? मैंने देखा है इसलिए वो ये तो नहीं कह सकता कि नहीं कर रहे थे। अच्छा, वो ये भी नहीं कह सकता कि वो कर रहा था और चूंकि वो भी गलती कर रहा था इसलिए मेरी गलती गलती ना मानी जाए। ऐसा कहीं होता है क्या कि कई लोग गलती करते हैं इसके कारण जिसको पकड़ा गया है उसकी गलती गलती ना मानी जाए इसलिए कि और भी कई लोग कर रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इवन दुनिया की रीत है कि जिसने गलती की है उसको सजा मिलेगी। प्रभु का तो तरीका ही यह है, क्योंकि दुनिया के जो नियम कानून हैं वो प्रभु के नियम और कानूनों के ऊपर आधारित है। इस कारण
रोमियो की पत्री दूसरे अध्याय के पहले पद में हम पढ़ते हैं, इस कारण हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, मतलब तू जवाब नहीं दे सकता है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, इस बात में अपने पर भी दोषी लगाता है। तुम दूसरे पर जिस बात का दोष लगाते हो, अपने स्वयं के जीवन में वही कर्म करते हो। हमने 2 हफ्ते पहले रोमियो की पत्री का अध्ययन इसलिए चालू किया था क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में पाप, पाप का फल, पाप के फल से छुटकारा, और छुटकारे के बाद उसका छुटकारे का फल, और उसके बाद उसके जीवन में जो बदलाव आने चाहिए, उन सब के बारे में ये रोमियो नामक पुस्तक बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से, या अंग्रेजी में कहा जाए तो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से जानकारी देता है। और यदि एक बार इसको हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ लेंगे या इसका अध्ययन कर लेंगे तो बहुत सी बातें क्लियर हो जाएंगी, विशेषकर उन लोगों को जिन्होंने हाल ही के महीनों में प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है। उन सबको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, जब प्रभु का वचन हमको बताता है कि देखो तुमने गलती की है, इस दुनिया में सबके सब पापी हैं, इस दुनिया में कोई धर्मी नहीं है, और पाप की सजा है मृत्यु, तब जाने अनजाने हमारे अंदर से ये वाणी निकलती है कि हे प्रभु, मैं अकेला पापी नहीं हूँ, इस संसार में सभी लोग वही कर्म कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ। तब पलट कर प्रभु का जवाब ये होता है कि मेरे बच्चे, तू काहे को दूसरे पर दोष लगा रहा है, दूसरे पर दोष लगाने से तू बच जाएगा क्या? नहीं, तू नहीं बचेगा। ये है जो हमने अभी पढ़ा, इसकी व्याख्या। क्यों प्रभु का वचन इस बात को इतनी सफाई से बोलता है, इसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि जब हमारा मन हमको बताता है कि मैंने गलती की है, मैंने पाप किया है, और मुझ में बहुत सारी कमी और घटी है, तो मनुष्य का मन स्वाभाविक तौर पर अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश करता है कि अरे शास्त्री काहे को फिक्र करता है, बाकी सब भी तो यही कर रहा है या कर रहे हैं, तो इस कारण तुम काहे को फिक्र करते हो। हिंदी में एक कहावत है, हमाम में सभी नंगे हैं। आजकल हमाम नहीं होते हैं इसलिए उसका अर्थ एकदम से समझना मुश्किल है। आजकल तो हर एक के अपने अपने घरों में गुसल खाने हैं जहां दरवाज़ा बंद करके अपन स्नान करते हैं। किसी ज़माने में जब इस तरह के नल नहीं हुआ करते थे तो शहरों में कई जगह पर कॉमन बाथरूम होते थे, जिस तरह से आजकल कई जगह कॉमन टॉयलेट्स होते हैं, किसी ज़माने में कॉमन बाथरूम्स होते थे, उनको हमाम कहा जाता था। और हमाम में बाकायदा पानी की व्यवस्था रहती थी, ठंडे पानी, गर्म पानी की, वहाँ जाकर लोग स्नान करते थे, हफ्ते में एक दिन या 2 हफ्ते में एक दिन स्नान करते थे। बड़ी ख़राब स्थिति थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से कुछ 100 साल पहले। तो उस समय लोगों का तरीका क्या था कि दरवाजे पे ही सारे कपड़े उतार के ऐसे ही अंदर जाते थे और सब लोग स्नान करते थे। उसके आधार पर हिंदी की, या सही कहा जाए तो उर्दू की, एक कहावत बनी है कि हमाम में सब नंगे हैं। तो जब सभी नंगे हैं तो एक व्यक्ति काहे को अपनी नग्नता ढांपे। इसके आधार पर यह कहावत बनी है कि अरे मेरी क्या गलती है, यहाँ तो हमाम में सभी नंगे हैं, मतलब सब पाप कर रहे हैं, तो इसलिए मैं क्यों अपने पाप की फिक्र करूं। ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन याद दिलाता है, तुम दूसरे पर दोष लगाकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि प्रभु एक साथ खड़ा करके सबका हिसाब नहीं करते, प्रभु एक एक करके हमको बुलाकर हमारा हिसाब करते हैं। जिस तरह से एक अध्यापक कहता है,
कि बाकी लोग क्या कर रहे थे वो छोड़ दो, मैं एक एक करके उन सब को बुलाऊंगा। बच्चे यदि एक मनुष्य जो अध्यापक है यदि वो इस तरह से बात करता है तो इस विश्व के सृष्टा सर्वज्ञानी उनके सामने तो कोई भी नहीं बच सकता है। और प्रभु का वचन बहुत स्पष्टतया बताता है मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है, कोई नहीं बच सकता। हम में से हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन संसार छोड़ के जाना पड़ेगा। मैं ये भी बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत प्रोग्रेस कर लिया है। आज से 200 साल पहले जब साइंस और टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस एकदम से तेज हो गया था तो लोगों की ये उम्मीद हो गई थी कि मनुष्य अपनी उम्र जितनी चाहे उतनी बढ़ा सकेगा, मतलब यदि मनुष्य चाहे तो शाश्वत काल तक हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ और चंगा रह सकेगा। लेकिन पिछले 200 सालों के अनुसंधान से एक बात स्पष्ट हो गई है, पिछले 10 सालों में मनुष्य की उम्र के बारे में और मनुष्य के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जो लोग अनुसंधान कर रहे हैं उनकी बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियां हुई हैं, सभाएं हुई हैं, जिसमें विश्व के एक से एक बड़े वैज्ञानिकों ने आकर लेटेस्ट जानकारी दी है। उसके अनुसार मनुष्य कुछ भी कर ले, कितनी भी दवा दारू ले ले, कितने भी स्वस्थ तरीके से जीने की कोशिश करे, लेकिन खेच तान के उसकी जिंदगी 120 से अधिक नहीं की जा सकती। जिसका मतलब प्रभु का वचन जो कहता है वही है, मनुष्य के लिए एक बार मृत्यु निश्चित है। अब तो विज्ञान भी ये कहता है, विज्ञान ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम मनुष्य को शाश्वत जीवन नहीं दे सकते। अरे 200 छोड़िए, 120 से ज्यादा नहीं दे सकते। प्रभु का वचन क्या कहता है, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। और न्याय कौन करेगा, दुनिया की सृष्टि जिस प्रभु ने की है, जो एक बार मुक्तिदाता के रूप में इस संसार में पधारे थे और जिन्होंने हमको बिना किसी कीमत बिना किसी मेहनत के अपनी कृपा में वो मुक्ति प्रदान की या मुक्ति का वरदान दिया, उस मुक्ति को देने का जब समय समाप्त हो जाएगा, वो समय बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, प्रभु ने अपने स्वर्गारोहण से पहले, स्वर्ग जाने से पहले प्रभु ने बोला था मैं वापस आऊँगा। प्रभु के वापस आने का समय प्रतिदिन निकट होता जा रहा है। एक बार जब प्रभु वापस आ जाएंगे तब मुक्तिदाता के रूप में नहीं होंगे, तब न्यायी के रूप में होंगे। और जब प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य के लिए एक बार मृत्यु और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है, तो कहने का मतलब यह है कि जो मुक्तिदाता के रूप में आए थे वे प्रभु ही कल न्यायी के रूप में आएंगे, उनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। प्रभु हम में से हरेक का हिसाब लेंगे। और इसलिए यदि हम सभी कर रहे हैं, सभी ऐसा कर रहे हैं, सभी बुरे हैं, कोई अच्छा नहीं है, इन वाक्यों के आधार पर प्रभु से बचने की कोशिश करें, कोई नहीं बच सकेगा। ये है प्रभु का वचन, रोमियों की पत्री 2 अध्याय का मुख्य संदेश, कोई नहीं बच सकता है। मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ कि आगे के अध्यायों में इसका जवाब दिया गया है। 3 अध्याय में ये बात बताई गई है कि जिसने भी पाप किया है वो अनंत हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु में चला जाएगा। लेकिन इसी पुस्तक के 6 अध्याय में ये बात हमको याद दिलाई गई है कि हमको हमेशा हमेशा के विनाश और हमेशा के मृत्यु से बचाने के लिए ही प्रभु इस संसार में पधारे थे। और जो कोई उस प्रभु पर विश्वास करता है वो अनंत मृत्यु से बचकर अनंत जीवन को पाएगा। तो इसलिए यदि आप में से किसी को ये गलत फहमी है कि सभी पापी हैं, सभी कुकर्मी हैं, सभी अधर्मी हैं,
इस कारण मैं बच जाऊंगा, तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि हम में से हर एक को अपना अपना हिसाब अलग देना पड़ेगा। और इस कारण यदि आज इस सभा में ऐसा कोई भाई या बहन है जिसने प्रभु यीशु के द्वारा इस नए जीवन को नहीं पाया है, तो आज इस हॉल को छोड़कर जाने से पहले प्रभु को निश्चित रूप से मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लें। आप में से कुछ लोग शायद ये कहेंगे कि अच्छा शास्त्री जी, ठीक है, इस बात को मान लिया कि प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करना जरूरी है, लेकिन ऐसे भी तो कई लोग हैं जिन्होंने इस संदेश को कभी नहीं सुना है। आप ये जो प्रभु का संदेश सुना रहे हैं, इसको 50-100 लोग यहाँ सुनते होंगे, आपके समान और जितने लोग हैं वो भी सुनाते हैं, तो 1,000-2,000 या 1,00,000-2,00,000, मान लीजिए 1-2 करोड़ सुनते हैं। फिर भी आज तो दुनिया का पॉपुलेशन 700 करोड़ है, कितने लोग सुनेंगे? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको नहीं सुना है, वो क्या, उनका क्या होगा? प्रभु का वचन इसका भी जवाब देता है। इसी पुस्तक के 12वें अध्याय में हम देखते हैं, जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए, यहाँ व्यवस्था प्रभु के वचन के लिए यूज किया गया, जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे। मतलब प्रभु का नियम और कानून ये बात स्पष्टतया कहता है कि चूंकि मैंने अपने बारे में जानकारी तुम्हारे मनों में रखी है, और चूंकि तुम अपनी बुद्धि से इस बात को समझ सकते हो कि इस विश्व की रचना एक सर्वशक्तिमान प्रभु ने की है, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ये प्रभु का वचन तुम्हारे पास ना पहुंचा हो, तो भी उस प्रभु को ढूंढ कर उस प्रभु के पीछे तुम्हें जाना चाहिए था। और यदि इस तरह से तुम उस प्रभु को ढूंढते, तो प्रभु का वचन तुमको ढूंढते हुए निश्चित रूप से तुम्हारे पास आ जाता। प्रभु के वचन का इतिहास जब हम देखते हैं, तब हम इस बात को पाते हैं कि दूर दूर के लोग जिनके आसपास प्रभु के वचन की कॉपी नहीं थी, जब उन्होंने प्रभु को जानना चाहा, तब प्रभु ने अपने दास अपने वचन के साथ उन लोगों के पास, उन व्यक्तियों के पास, उन समूहों में और उन देशों में भेजा जहां प्रभु का वचन नहीं था। हम इन सब का अध्ययन आने वाले दिनों में करेंगे, लेकिन सबसे अच्छा उदाहरण है, आप में से जिसके पास पवित्र बाइबल है, वे लोग योना नामक पुस्तक को यदि खोल कर देखेंगे, तो आप वहां देखेंगे कि प्रभु से बलवे के साथ जीने वाला एक समूह था, असीरियंस। असीरिया के लोगों के बारे में बहुत कुछ मालूम है, उनकी मूर्तियां, उनके चित्र, उनके पुस्तक, सब कुछ वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला है। बहुत ही निकृष्ट, बुरे और कुकर्मी लोग थे, लेकिन प्रभु ने अपने दास को इवन उन लोगों के पास भेजा जिससे कि प्रभु का वचन उन लोगों के पास पहुंचाया जाए। इसलिए यदि आप कहें कि ये वचन हमने सुना है, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इस वचन को नहीं सुना है, तो प्रभु का वचन याद दिलाता है कि वचन पाने के बाद जिन्होंने पाप किया उनका भी न्याय होगा, और ये वचन, प्रभु का वचन प्राप्त करने के पहले जिन्होंने बिना वचन के प्राप्त किया, बिना वचन के ही उनका न्याय होगा, क्योंकि हम में से हर एक के विवेक के अंदर प्रभु ने अपने बारे में जो मोटी बातें जाननी चाहिए वो रखी हैं। सोलहवें पद को पढ़कर देखें, जिस दिन प्रभु मेरे शुभ संदेश के अनुसार प्रभु यीशु के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का भी न्याय करेंगे। आज मैं याद दिलाना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा जीवन क्षण भर का है, क्षण भर का है। कितना खींचेंगे आप, खींच तान कर कितना बड़ा करेंगे? ज्यादा से ज्यादा 120। 120 क्या है? प्रभु यीशु के आने के बाद 2000 साल हो गए, आज 2018 है। उस 2000, उसके पहले का इतिहास छोड़ दीजिए, उस 2000 के सामने 120 क्या है? कुछ भी नहीं है। मैं पिछले कुछ समय से प्रतिदिन इस बात को याद रखता हूं। आज से 4-5 साल पहले तक जब मैं सीनियर सिटीजन
वरिष्ठ नागरिक नहीं हुआ था तब तक इन बातों को याद रखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जिस दिन मैंने 60 क्रॉस किया उस दिन मेरे बेटे ने एक बात याद दिलाई। बेटा डॉक्टर है और वो मेरे हेल्थ के बारे में बहुत कुछ जानता है। उसने कहा, डैड अब आप 60 के हो गए हैं, प्रभु की दया से आप सठियाए नहीं हैं, आपकी बुद्धि अभी भी अच्छी काम कर रही है, लेकिन एक बात याद रखना डैडी, आपका शरीर अब तेजी से कमजोर होने लगेगा, आपका मन तेजी से कमजोर होने लगेगा और आपको अब पता लगेगा कि कल तक जो काम मैं बड़े आसानी से कर सकता था आज आप नहीं कर पा रहे हैं। आज इस संदेश के आरंभ में आपने देखा मैंने हर चीज को जाकर दोबारा चेक किया। सन 2016 से यहाँ जितने लोग आ रहे हैं उन्होंने इस बात को नोट किया होगा कि आज तक मैंने ऐसा चेक नहीं किया। क्यों? आज से 3 साल पहले माइंड इससे ज़्यादा शार्प काम करता था, तब सब कुछ फिक्स करने के बाद मुझे इस बात की गारंटी थी कि मैंने सब सही किया है। 3 साल के बाद आज मुझे इस बात का यकीन ना रहा, इसलिए संदेश के पहले मुझे जाकर सब एक बार और चेक करना पड़ेगा। कल स्थिति ये होगी कि मैं जब यहाँ खड़ा होऊंगा तो मैं शायद आपसे पूछूंगा कि आप लोग कौन हैं, मैं क्या हूँ और मैं काहे के लिए यहाँ खड़ा हूँ। तब शायद भाई संतोष उठ के कहेंगे कि शास्त्री जी, हमें ऐसा अनुमान नहीं था कि कल तक तो आप हमको डायरेक्शन दे रहे थे और अब हम आपको डायरेक्शन दें। हो सकता है, अरे मनुष्य की क्या गारंटी है, किस मनुष्य की क्या गारंटी है। इस कारण आज समाप्त करने से पहले मैं एक दो बातें आपको फिर से याद दिला दूं। पिछले हफ्ते रोमियो की पत्री पहले अध्याय से हमने देखा था कि मनुष्य अपनी व्यर्थ बुद्धि में फंस गया है और ईश्वर के स्वरूप को उसने इस संसार की चीज़ों के स्वरूप में चेंज कर दिया है, बदल दिया है। ऐसा ना करें। मैंने पिछले हफ्ते ये बात याद दिलाई थी कि इस सभा में ना तो प्रभु यीशु का चित्र है, ना प्रभु की मूर्ति है, ना सूली है, क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में ये बात स्पष्टतया बताई है कि आराधना सृष्टिकर्ता की होनी चाहिए, जिसने सृष्टि की है आराधना उसकी होनी चाहिए, सृष्टि की गई वस्तुओं की नहीं। इस कारण आप यहाँ पर इस तरह की किसी चीज़ को नहीं देखते हैं। दूसरी बात पिछले हफ्ते हमने प्रभु के वचन से देखी थी कि हम जानबूझकर पाप के रास्ते पर चले जाते हैं, उस छोटे पुत्र के समान जिसकी कहानी मैंने लास्ट हफ्ते सुनाई थी, जो मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जिस तरह से उस छोटे पुत्र को अकल आई और वो प्रभु के पास अपने पिता के पास गया, उस तरह से वापस जाना मेरे लिए और आपके लिए जरूरी है। तीसरी बात, जब यह बातें बोली जाती हैं तब कई बार हमको लगता है कि शास्त्री सर वो भी पाप कर रहा है, ये भी पाप कर रहा है, सब पाप कर रहे हैं, कोई धर्मी नहीं है, इसलिए काहे को आप इस तरह की बातें कहते हैं कि हम सुधर जाएं। मैं इसलिए कहता हूं कि प्रभु हमको एक ग्रुप के रूप में नहीं देखते हैं, हमको एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं। एक घर में यदि एक दर्जन बच्चे हों, उसमें 4-6 बच्चे यदि शरारत कर रहे हों, तो पिताजी ये नहीं कहते कि अच्छा 4-6 लोग कर रहे थे इसलिए छोड़ो। नहीं, एक अच्छा पिता होगा तो वो एक एक करके बुलाएगा कि अच्छा तुम सबसे छोटे इधर आओ, किया था या नहीं किया था। उसके बाद सबसे आखिर में सबसे बड़े को, अच्छा अब तेरी बारी है, तूने किया था या नहीं किया था। तो बड़े वाले की तो बड़ी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसको मालूम है मैं सबसे बड़ा हूँ इसलिए सबसे कड़ी सजा दी जाएगी। प्रभु भी जिस दिन न्यायी के रूप में आएंगे तब ऐसा ही होगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु न्यायी के रूप में नहीं, आज मुक्तिदाता के रूप में हमारे सामने खड़े हुए हैं, हमको बुलाते हैं, हमसे कहते हैं मेरे बच्चे मेरे पास आ जाओ, तुम अपनी व्यर्थ बुद्धि के पीछे ना चलो, दूसरों को ना देखो, मेरे पास आओ, मैं तुमको एक नया जीवन दूंगा। प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, यदि सभा में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में अभी तक ग्रहण नहीं किया है, जो उस मुक्ति के पास तक पहुँच गया है,
तो इस सभा के बाद मैं आगे बैठा करता हूँ, यहाँ मेरे पास आइए, बात कीजिए, मैं आपको और डिटेल में और विस्तार से ये बातें समझाऊंगा जिससे कि आप इस नए जीवन को पा सकें। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है। जय मसीह की।